बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सरगोधा के बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से प्यार करने वालों, आज आपका दीदनी जोश और जज्बा इस बात की गवाही दे रहा है कि मेरे सरगोधा के शेर हर मुश्किल वक्त में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से वफा का रिश्ता निभाना जानते हैं। मैं मोहतरम शाह नवाज रांझा साहब को, हामिद हमीद साहब को, मोहसिन रांझा साहब, डॉक्टर लियाकत साहब, रिजवान साहब, नवीद असलम साहब, हुमैर रोकड़ी साहब, अब्दुल रजाक ढिल्लू साहब, असलम कचैला साहब, जवेद हसनैन शाह साहब, डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी, डॉक्टर मुख्तार भरत, सोहेब भरत, मियां मनाजर रांझा, यासिर सिंधु, सुमैरा मलिक साहिबा, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि पिछले 4 सालों में इन नौजवानों का जो आज बड़ी तादाद में यहां पर मौजूद हैं, एक शख्स ने 1 करोड़ नौकरियों का ख्वाब दिखाया, झूठ बोला, इन नौजवानों के ख्वाब चकनाचूर हो गए। इस पंडाल में मजदूर भी हैं, किसान भी हैं। इस इमरान नियाजी ने 50 लाख घरों का वादा किया, 1000 घर भी ना बना सका। पाकिस्तान की गयूर आवाम ये जानते हैं कि आज ठीक 4 साल बाद पाकिस्तानी कौम का खून चूसकर आवाम को महंगाई की चक्की में पीसकर बीमारों से दवाइयां छीनकर और जिन्होंने दवाइयों के डाके में अरबों कमाए, उस ज्ञानी को उठाकर इसने अपने पार्टी का अहम ओहदा दे दिया। नौजवानों, एक बात सुन लो, ये इमरान नियाजी सियासत की आड़ में इस मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है। कभी ये पाकिस्तान के इदारों को ललकारता है, कभी ये पाकिस्तानी दोस्तों को, दूसरे जो ममालिक पाकिस्तान के दोस्त हैं उनको ललकारता है। तो मैं आज अपने सरगोधा के नौजवानों, बुजुर्गों के तवज्जो से कहना चाहता हूं कि इमरान नियाजी सियासत में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मुकाबला करो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाओ, लेकिन अगर तुमने इंतशार की सियासत करनी है, जलाओ घिराव की सियासत करनी है, पाकिस्तान के आईन और कानून को पामाल करना है और अपनी अना के बुत को नहीं तोड़ना, तो आज
पंडाल में इन नौजवानों का जज्बा महसूस करके देखो। अगर तुम इंतजार करोगे तो सरगोधा की आवाम की जज्बा तुम्हें तुम्हारे इंतजार को और तुम्हारे साथियों को समंदर में गर्क कर देगा। आज सुबह मैंने पंजाब की आवाम को कहा कि इमरान नियाज़ी, तुम अपने गवर्नर को ला कहो कि हमजा शहबाज शरीफ से हलफ नहीं लेना, तुम अपने सदर जो तुम्हारी नौकरी ज्यादा कर रहा है और आईन की पासदारी कम कर रहा है, कोई बात नहीं, अगर काबीना नहीं बनी है डेढ़ महीने से, मैं अपने कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हुक्म पर आवाम के दुखों का मुदावा करूंगा। इमरान नियाज़ी रोक सकते हो तो रोक लो। और आज अल्लाह के फजल से पूरे पंजाब में नौजवानों, पूरे पंजाब में जो आटे के 10 किलो का थैला 650 का मिल रहा था, आज पंजाब की आवाम के लिए आपके इस भाई ने उस 650 के 10 किलो के आटे को आज 490 में बेचने का हुक्म जारी कर दिया है। ये आज जो झूठ बोलता है इमरान नियाज़ी, सरगोधा की आवाम सुन लो, इस सूबे ने पाकिस्तान के दूसरे भाइयों का अपने सूबों का पेट पाला। गंदुम जरूरत से ज्यादा पैदा होती थी पंजाब में, इसने किसान से खाद छीन ली, इसने अपने प्यारों को नवाजा, जब गंदुम कम थी इसने गंदुम को बाहर भिजवा दिया। यहां पर हमारी माएं बहनें बेटियां लाइनों में लगकर गर्मियों में आटे के 10 किलो थैले के लिए रुल गई और फिर जब जेबें भर गई वही आटा बाहर से डॉलर खर्च कर वापस मंगवाया और कहा कि माफिया खा गए। इमरान नियाज़ी, तुम जलसों में लाख बैंड डालो, रोना डालो, इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन इन नौजवानों से जो तुमने इनके ख्वाब चकनाचूर किए, किसान से खाद छीन कर उसके खलियान तुमने वीरान किए, मजदूरों से रोजगार छीना, अवामी अदालत लगेगी और कटहरे में इमरान नियाज़ी को जो इस कौम का मुजरिम है उसको खड़ा किया जाएगा। और इमरान नियाज़ी तुम्हें भागने नहीं देंगे। तुमने नवाज शरीफ को जेल में डाला, कोई परवाह नहीं, तुमने शहबाज शरीफ को जेल में डाला, कोई परवाह नहीं, लेकिन जो तुमने 4 साल इस आवाम को गुर्बत और महंगाई के चक्की में पीस डाला, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। और इसके लिए कल ये कहता है कि शहबाज शरीफ, अगर मुझे मौका मिला तो तुम्हें जेल में डालेंगे। और ये जेल जेल बहुत खेल लिया, अब सरगोधा के नौजवानों बुजुर्गों सुन लो, अब जेल का फटक खुलेगा लेकिन इमरान नियाज़ी के लिए खुलेगा।
इस मुल्क की मईशत सिसकियां ले रही है, एटमी कुवत है। ये कहता था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF एक कर्जा नहीं लूंगा। इसने खुदकुशी तो नहीं की, लेकिन IMF के नीचे लेट गया। और सुनो नौजवानों, 74 सालों में जो कर्जा पाकिस्तान पर है, 74 सालों में उसका 80% यानी 20,000 अरब रुपया कर्जा सिर्फ 4 सालों में इमरान नियाजी ने लिया, इस कौम के बच्चों को मकरूज किया। और आज इंकलाब का नारा लगाते हो, 4 साल सुनामी सुनामी करते थे, सुनामी तो तबाही का नाम है और तुम तबाही लेके आए। लेकिन इमरान नियाजी, तुमने IMF पे कर्जा लिया, खुदकुशी नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह इलेक्शन आने वाले हैं और ये नौजवान, ये किसान, ये मजदूर, ये हारी जिनका हक तुमने छीना है, जब तुमसे हिसाब मांगेंगे तो तुम सियासी खुदकुशी करने पर जरूर मजबूर हो जाओगे इंशाल्लाह। मैंने कहा है नौजवानों कि मैं आपकी तरह कारकुन हूं। कारकुन जेलें काटता है, थाने कचहरियां भुगतता है, लेकिन कारकुन अपनी क्यादत के साथ शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा रहता है। मैं इसी पंडाल से खिताब करने आया था जब इस शहर से एक खातून जो MNA थी हमारी किसी दौर में, वो वफादारी तब्दील कर PTI में शामिल हो गई थी। और जब मैंने पंडाल में सुनो, जब मैंने पंडाल में उस खातून का नाम लिया तो पहली सब से लेकर आखिरी सब तक इस आवाज आई, हमें लोटे कबूल नहीं है। और सरोदा के नौजवानों, बुजुर्गों, मैं आपकी अजमत को सलाम पेश करता हूं। आपने नवाज शरीफ से और शहबाज शरीफ से बेवफाई करने वाली को इबरत का निशान बनाया अल्लाह के फजल करम से। और सरगोदा वालों, मैं और मेरी जमात आपकी मोहब्बत की मकरूज है, क्योंकि जब 2018 के इलेक्शन में हर जगह पर छुरलू चला, धांधली हुई, लेकिन कौमी असेंबली की 5 नशिस्तें और सूबाई असेंबली की 10 नशिस्तें सरगोदा से मुस्लिम लीग नून ने जीती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। आप सरगोदा वालों, आपका खलूस, आपका जज्बा इतना अजीम है कि उसको सोना में भी तोला जाए तो आपका जज्बा सोने से ज्यादा कीमती है। और सुनो, अभी तो 10 किलो के आटे का थैला 160 रुपए सस्ता हुआ है अल्लाह के फजल करम से। अगली बात सुन लो, अगली गल सुन लो, और नौजवानों इंशाल्लाह चंद दिनों में चीनी
और घी भी सस्ता होगा और मैं सरगोधा के लोगों को और पंजाब के 12 करोड़ लोगों को कहना चाहता हूं कि मेरे कायद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुझे एक ही सबक सिखाया है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। इमरान नियाजी सुन लो, सदर आरिफ अलवी सुन लो, जितनी आईन के खिलाफ साजिश करनी है कर लो, मेरा रास्ता रोक सकते हो तो रोक लो, अल्लाह के फजल से मैं निकल पड़ा हूं, अवाम के दुखों का मुदावा करूंगा, तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। और आज मैं एक ऐसी बात करने जा रहा हूं, मैं पूरी कौम से मुखातिब हूं, मैं पाकिस्तान की अदलिया से मुखातिब हूं, मैं पाकिस्तान के इदारों से मुखातिब हूं, मैं पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों से मुखातिब हूं। कल इसने कहा कि लॉन्ग मार्च में मेरे साथ अफवाज पाकिस्तान के खानदान भी जाएंगे। ओ भाई, ये फौज सबकी फौज है, इसमें सरगोधा के शहीद भी हैं, मैं उन शहीदों की माओ को दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूं और उन शहीदों की माओ को भी सलाम पेश करता हूं, लेकिन इमरान नियाजी को बताना चाहता हूं और इदारों को बताना चाहता हूं कि यह शख्स न आईन को मानता है न कानून को मानता है, अदालती फैसलों का मजाक उड़ाता है, इदारों को ललकारता है, यूरोपीय यूनियन जिससे अरबों रुपए की हमारी तजारत है उनको नाराज करता है, चाइना को करप्शन का ताना देता नाराज करता है, अमेरिका एक सुपर पावर है उससे हम बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, इज्जत वाले ताल्लुकात चाहते हैं, ये सियासत नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश के बीज बो रहा है, इसलिए पूरी पाकिस्तानी कौम को जागना होगा। और एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इससे पूछना चाहिए कि इमरान नियाजी 4 सालों में सरगोधा के नौजवानों मेरे सवाल का जवाब दो, अपने दिल पे हाथ रखे, 4 सालों में एक मंसूबा गिना दो, एक ऐसा मंसूबा बता दो जो इमरान नियाजी ने आपको दिया और 400 में बताओ। तो इसलिए मैं बड़ी आजिज से आपसे कहता हूं कि तुम इनकलाब का नारा लगाते हो, पाकिस्तान को तुमने बदहाल कर दिया। ओ इमरान नियाजी, किसको धमकी देते हो? और तू धमकियां ना दे, तेरे पल्ले की है। इंशाल्लाह तोशा खाने की चोरी का हिसाब तुम्हें देना होगा, फॉरेन फंडिंग में तुमने डाके मारे तुम्हें हिसाब देना होगा, और जो तुम्हारी अना का पहाड़ बनी गाला है ना, वहां से उतार कर खींच कर अवामी अदालत में तुम्हें पेश करेंगे इंशाल्लाह। सरगोधा के शेरों का, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के सिपाहियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और बता देना चाहता हूं कि यहां पर शहबाज शरीफ ने आपकी खिदमत की, 4 सालों में कुछ नहीं हुआ, मैं वो बात करूंगा जिस पे पहरा दूंगा, इंशाल्लाह सरगोधा लाहौर रोड पर काम फिलफौर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और अस्पताल में आज टीएच को अस्पताल गया, इंशाल्लाह बहुत जल्द
जो दवाइयां शहबाज शरीफ के दौर में सस्ती मिलती थी, मरीजों को फ्री दवाइयां मिलती थी कैंसर की, तो नवाज शरीफ का सिपाही हूं, शहबाज शरीफ का कारकुन हूं। नौजवानों, इंशाल्लाह पंजाब के तमाम अस्पतालों में जब तक सस्ती फ्री दवाइयां, मुफ्त दवाइयां नहीं मिलती, हमजा शहबाज चैन से नहीं बैठने वाला। और आपने दुआ करनी है, और मेरी बहन मरियम यहां बैठी है, हमने इकट्ठे लॉन्ग मार्च भी किया, और ये लॉन्ग मार्च नहीं करने जा रहा, ये लॉन्ग मार्च नहीं है, ए जेल द खौफ मार्च है, डरते है जेल तो। और इमरान न्याजी, तुम तीन चार दिन जेल नहीं रह सकते, हमारे कायदीन ने, हमारे मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन ने कई कई महीने जेल काटी है, तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क्यादत में इंशाल्लाह रोशन है। मैं आपसे वादा करता हूं, ये वजारत आला आनी जानी चीज है, अल्लाह ताला की हुक्मरानी सदा की हुक्मरानी है, अल्लाह ने तौफीक दी तो एक जज्बे के साथ मैं आपकी खिदमत करूंगा, और वो दिन दूर नहीं है, वो सुन लो सरगोधा वाले हो, वो दिन दूर नहीं है जब इंशाल्लाह इसी पंडाल में आपके सामने रूबरू नवाज शरीफ भी होगा, शहबाज शरीफ भी होगा इंशाल्लाह। और इमरान न्याजी, जब इलेक्शन का मैदान लगेगा, एक तरफ नवाज शरीफ ललकारेगा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ धाड़ेगा, और तेनु छुपन की जगह नहीं मिलेगी। सरगोधा वालों, मेरे साथ नारा बुलंद करो, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान।